एंड वेलकम टू वाव कॉर्नर। सबसे पहले तो हैप्पी मॉनसून, क्योंकि मॉनसून आ गया है। लेकिन बैड न्यूज ये है कि मॉनसून अपने साथ खूब सारी स्किन की प्रॉब्लम लेके आया है, जैसे कि एलर्जी की प्रॉब्लम, फंगस की प्रॉब्लम, पिंपल की प्रॉब्लम, ऑयली स्किन की प्रॉब्लम, इतनी सारी प्रॉब्लम। कैसे टेक केयर करोगे आप भाई? वाव कॉर्नर है ना, तो टेंशन लेने की क्या बात है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस मॉनसून में आप अपनी स्किन को कैसे एक्स्ट्रा केयर करके थोड़ी सी अपनी स्किन को सिक्योर और प्रोटेक्ट रख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मेरे को थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, तो आवाज आपको थोड़ी सी चेंज या भारी लग सकती है, तो अवॉइड दिस और वीडियो पे ध्यान देते हैं। तो मॉनसून में हमें हमारी स्किन के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। तो मैं जो आपको हैक्स बता रही हूँ, अगर इस मॉनसून में आप ये हैक्स फॉलो करोगे ना, तो आई बेट यू ये मॉनसून आपकी स्किन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तो बिना देरी के फटाफट से देखते हैं कि ये हैक है कौन से जो आपको इस मॉनसून से बचाने वाले हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं, लेट्स गो। तो फर्स्ट हैक है हमारा कि डिटॉक्स योर बॉडी एंड अवॉइड कैफीन। मींस आप चाय और कॉफी को थोड़ा अवॉइड करें और इनकी जगह पे नारियल पानी पिए, और अगर चाय पीने का मन करे तो ग्रीन टी पिए। जैसा कि सभी को पता है, ग्रीन टी हमारी बॉडी को कितने अच्छे से डिटॉक्स करती है, और पानी पीने से हमारे पिंपल की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट। तो हुई ना अच्छी बात, और नारियल पानी तो हमारी स्किन, हमारे बाल, हमारी हेल्थ सबके लिए कितना अच्छा है। तो इस मॉनसून अवॉइड करो चाय और कॉफी को और अपना लो पानी, ग्रीन टी और नारियल पानी को। अब बढ़ते हैं अपने हैक नंबर टू की तरफ। तो हैक नंबर टू है मेरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया कि मॉनसून में ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा होता है, चिपचिपाहट बहुत होती है, तो इसके चलते लोग अपने फेस को बार बार धोते हैं और हर बार फेस वॉश का यूज करते हैं, जबकि आपको ये नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आपको फेस वॉश यूज करना है तो मॉर्निंग और इवनिंग, मीन्स आपको दिन में सिर्फ दो बार ही फेस वॉश का यूज करना है, ज्यादा नहीं। अगर आप बार बार सोप या फेस वॉश का यूज करते हो तो इससे आपकी स्किन का पीएच लेवल गिर जाता है, जिससे हमारी स्किन बहुत ड्राई और डैमेज हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर पॉसिबल है तो फेस वॉश की जगह पे आप बेसन का यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तो इसका मतलब क्या है, आपको फेस वॉश तो करना है, लेकिन बार बार फेस वॉश और सोप से नहीं, आप बेसन से कर सकते हो या नॉर्मल पानी से कर सकते हो और आइस क्यूब लगा सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने हैक नंबर थ्री की तरफ। तो हैक नंबर थ्री है हमारा, स्क्रब योर फेस ट्वाइस इन अ वीक। मतलब आपको अपने फेस को हफ्ते में दो बार स्क्रब करना है। इससे क्या होगा, जो ऑयल प्रोडक्शन जो बहुत ज्यादा हो जाता है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और हमारी स्किन जो थोड़ी सी डैमेज या थोड़ी डेड स्किन जो इकट्ठी हो जाएगी वो हट जाएगी। लेकिन यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर दूंगी कि जब भी आप स्क्रब करें, स्क्रब करने के बाद आप तुरंत अपने फेस पे आइस क्यूब रब कर लें। मैंने बहुत सारे आइस क्यूब के ऑप्शन दिए हैं आपको, राइस वाला या सिंपल पानी वाला, आप अपने फेस पे रब कर लीजिए। इससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी और ग्लोइंग रहेगी, और जो हमारे फेस पे एक्स्ट्रा डर्ट जो इकट्ठी हो जाती है ना, वो भी रिमूव हो जाएगी। अब नेक्स्ट हैक मींस हैक नंबर फोर। तो हैक नंबर फोर है अप्लाई फेस मास्क। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी एक फेस मास्क जरूर लगाएं। मैं यहाँ पर आपको एक फेस मास्क का ऑप्शन देती हूँ। आपको हाफ टी स्पून चंदन पाउडर, हाफ टी स्पून मुल्तानी मिट्टी, हाफ टी स्पून जो हमारा होता है ना मुलेठी पाउडर, वो लेना है, एक चम्मच कर्ड लेना है, उसमें आधा नींबू निचोड़ना है और थोड़ा सा शहद डालना है। इन सभी को अच्छे से मिक्स करना है और अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करके आप इसको 15 टू 20 मिनट छोड़ दीजिए और फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए, और फिर अगेन फिर से आइस क्यूब को रब कर लीजिए। अगर आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है तो आप इनमें से कोई भी दो चीज ले लीजिए। अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपल आटा भी यूज कर सकते हो, जिससे हम रोटी बनाते हैं। तो आपको हफ्ते में एक बार जरूर 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 फेस मास्क जरूर लगाना है, और अगर आपके पास नीम लीव्स अवेलेबल है तो आप नीम का फेस पैक भी जरूर लगाइए। अब बढ़ते हैं अपने हैक नंबर फाइव की तरफ। तो हैक नंबर फाइव मेरा फेवरेट है, और मैं आप सभी से भी कहूंगी कि आप इसको इस मॉनसून में नहीं बल्कि अपनी डेली लाइफ में 12 महीने तक रखें। वो क्या है, वो ये कि आपको टोनर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। टोनर लगाइए जितनी बार हो सके उतनी बार। जब भी फेस धो, फेस वॉश है तब भी लगाओ, पानी से धो तब भी लगाओ, बेसन से धो तब भी लगाओ। आप जितनी बार फेस वॉश कर रहे हो उतनी बार आपको फेस पे टोनर अप्लाई करना है।
अगर आपके पास टोनर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप नॉर्मल रोज वाटर भी अप्लाई कर सकते हो। जितना अप्लाई करोगे उतनी ही आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। तो टोनर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, जितना पॉसिबल हो उतना टोनर अप्लाई करते रहना है। इससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा हाइड्रेट भी रहती है और ग्लोइंग भी रहती है। अब बढ़ते हैं अपने हैक नंबर 6 की तरफ। तो हैक नंबर 6 है हमारा अप्लाई सनस्क्रीन। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बारिश हो रही है, बादल हो रहे हैं, सूरज तो निकला ही नहीं है, मतलब हमें सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि हमारा सन तो निकलता है लेकिन वो आपको दिखता नहीं है। तो इसलिए आपको SPF लगाना ही लगाना है हर कंडीशन में, सनस्क्रीन को स्किप नहीं करना। तो मैं यहाँ आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि जिसकी ड्राई स्किन है वो क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन लगाए, और जिसकी ऑयली स्किन है वो जेल बेस्ड SPF लगाए। तो मार्केट में बहुत सारे SPF मिलते हैं, आप लेकर आराम से लगा सकते। अब हैक नंबर 7। हैक नंबर 7 है हमारा कि अवॉइड मेकअप। अब आप सोच रहे होंगे हम लड़कियां मेकअप कैसे अवॉइड करें, तो मेरा कहने का मतलब है कि हैवी मेकअप को अवॉइड करें, थोड़ा बहुत लाइट मेकअप करें, लेकिन मेक श्योर आप मेकअप करते वक्त वाटरप्रूफ प्रोडक्ट के ही यूज करें। फॉर एग्जांपल मस्कारा हो गया या काजल हो गया। मैं तो वैसे कहूंगी मस्कारा या थोड़ी ये हैवी मेकअप अवॉइड करो। सिंपल काजल लगाना है या कुछ भी लगाना है तो वाटरप्रूफ लगाओ। फाउंडेशन को अवॉइड करो, बीबी क्रीम लगा लो, मस्कारा को अवॉइड करो, काजल लगा लो, हल्का सा वाटरप्रूफ लिपस्टिक लगा लो। तो और अगर पॉसिबल है तो कुछ भी मत लगाओ, अपनी स्किन को ब्रीथ करने दो यार। हर वक्त मेकअप लगाना जरूरी नहीं है, और इस मानसून में तो मैं यही कहूंगी कि मेकअप ना ही लगाओ तो अच्छा है। बहुत जरूरी है या कहीं जाना है तो हल्का फुल्का मेकअप करो और वाटरप्रूफ मेकअप करो, ठीक है। हैक नंबर 8। तो हैक नंबर 8 में मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आप अपनी टॉवल किसी के भी साथ शेयर ना करो। घर में अगर 5 मेंबर है तो 5 टॉवल अलग अलग सबके लिए होनी चाहिए, और अगर 2 मेंबर है तो भी अलग अलग टॉवल होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं ये भी बोलूंगी कि अगर पॉसिबल है तो अपनी बॉडी के लिए टॉवल अलग रखो और फेस की टॉवल बिल्कुल अलग रखो, क्योंकि हम पूरी बॉडी को जिस टॉवल से पोंछते हैं उसी टॉवल से फेस को पोंछते हैं, तो थोड़े बहुत जर्म या बैक्टीरिया फैलने का डर रहता है। तो अगर पॉसिबल है तो फेस की टॉवल अलग रखो और बॉडी की अलग, अदरवाइज एक टॉवल तो सेपरेट होनी ही चाहिए जो कि आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है, ओके। इस बात को गार्ड मान लो, मानसून में ही नहीं किसी भी टाइम आप अपनी टॉवल किसी के भी साथ शेयर ना करो। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। तो हैक नंबर 9 है हमारा कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखो हर वक्त। पर आप मानसून में मॉइस्चराइजर लगाओगे तो थोड़ा चिपचिपा चिपचिपा हो जाता है, तो इसकी जगह पे आप अपनी मॉइस्चराइजर को रिप्लेस कर सकते हो एक अच्छे लाइट वेट सीरम से। तो मॉइस्चराइजर की जगह पे आप अप्लाई करिए सीरम जो वाटर बेस हो। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, यहाँ एक आपको दिखा देती हूँ। ये है बायोटिक का सीरम, ये वाटर बेस है, आपकी स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि आपने अपने फेस पे कुछ लगाया भी है या नहीं। तो आप चाहो तो ये परचेज कर सकते हो, इसका परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से ले लीजिएगा। तो ये थे मेरे मॉनसून स्किन केयर हैक्स। आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके नीचे, और जितनी भी चीजें मैंने यूज करी हैं उसका सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और मैंने मॉनसून हेयर केयर की वीडियो भी बनाई है, वो भी पब्लिश हो चुकी है। अगर आपने देख लिया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में उसका लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है, उसको भी देख लीजिए, और इस मॉनसून में अपनी बॉडी को, हेयर को, स्किन को हेल्दी बनाइए। और ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव थी, तो शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। अपने भाई, बहन, सगे संबंधी, मम्मी, भाभी, चाची, सबके साथ शेयर कर दो। और मैं यहाँ पे फिर से बोलूंगी कि ये सारे हैक्स बॉयज भी फॉलो कर सकते हैं, तो जितने भी बॉयज देख रहे हैं वो गर्ल्स के साथ शेयर कर दो, और गर्ल्स देख रही है तो बॉयज के साथ शेयर कर दो। वीडियो को खूब सारा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी मॉनसून।